तो इलेवेंथ का जो डिटरमिनेंट है, इलेवेंथ का जो डिटरमिनेंट आप निकालोगे वो आएगा माइनस का वन, इसमें भी माइनस बना रहा है। और इसका जब कोफैक्टर निकालोगे आप, मतलब एडजॉइंट एडजॉइंट निकालोगे, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए जब निकालोगे आप तो वो आएगा आपका माइनस वन जीरो 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 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और जीरो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ऐसा आएगा। ठीक है, तो जब आप इसका इन्वर्स लिखेंगे तो वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी माइनस वन, तो माइनस वन ये मल्टीप्लाई में होता है, मतलब क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है ना, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब ये जो माइनस वन है ये ऊपर चला जाएगा और उस माइनस वन का सब में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, वन जीरो 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 कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आएगा जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। ठीक है, फाइनल आंसर हमारा ये आ गया, तो आप लोग कर लेना। और ज्यादा मैं तो आपसे ही बोलूंगा, आप भी दो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके अच्छे से देख लेना, क्योंकि बार बार क्या वही करना सेम चीज। ठीक है, तो मैं आपसे भी कहूंगा।